मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम सातवीं कक्षा का 12वां पाठ वीर कुंवर सिंह ये आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे उनके बारे में, जैसे कि अपन छठवीं क्लास में पढ़ लिए थे झांसी की रानी, उसके साथ साथ और कितने स्वतंत्रता महायज्ञ हैं, कितने वीर हैं, यहाँ पे अपन देखेंगे। और ये कुंवर वीर सिंह के बारे में भी अपन उसकी भी जानकारी लेंगे और देखेंगे। अब अपन पाठ में जाएंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठवीं कक्षा में पढ़ी होगी, ये तो सही बात है। आप लोग तो सिक्स्थ क्लास में झांसी की रानी पाठ पढ़े हुए हैं, जिस तरीके से अंग्रेज़ों को उन्होंने चने चबाई थी, यानी भगाई थी, भगाने की कोशिश करी थी, आखिरी में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जान भी दे देना पड़ा, उसके संतान नहीं थी, शादी होते ही उसके जो हस्बैंड है उनको भी मार दिया गया था। ये इस तरीके से चलने के बाद झांसी में रानी इन्होंने बनी थी, फिर भी अंग्रेज़ों इसे मारने की कोशिश करे और मार भी दिए थे। ये झांसी की रानी थी। अब वही छठवीं कक्षा में आप पढ़े थे झांसी की रानी कविता। अब इसके बाद इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। जो झांसी की रानी है उसमें कुंवर सिंह का नाम भी आया हुआ है, जैसे कि नाना साहेब, तांतिया तोपे, इन लोग जैसे आए थे उसमें कुंवर सिंह का नाम भी उसमें शामिल है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होगी, आपको तो सिंहासन हेल उठी की कहानी जो झांसी की रानी की कविता है वो फिर एक बार याद कर लीजिए, याद आ रही भी होंगी। एक बार इन पंक्तियों को भी पढ़ लीजिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना दुपांत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जो ये पंक्ति है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, जो आज़ादी के लिए लड़ने के लिए में स्वतंत्रता के लिए कई वीर अपने को काम को आए, शहीद हो गए, अपनी जान कुर्बान दे दिए, उसमें से है नाना धूपांते, तांतिया, चतुर, अजीमुल्ला, इन लोगों के नाम है, और इन लोगों के साथ साथ अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, और सैनिक है अभिराम। इन लोग पूरे आज़ादी के लिए लड़े तो लोगों में से हैं। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम, जो भारत की हिस्ट्री है उसमें इन लोगों के नाम अमर हमेशा याद रहेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब जो ये पाठ में है, ये पाठ में कुंवर सिंह के बारे में अपन जानकारी दे रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में वीर थे। 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। 1857 में जो स्टार्टिंग में जो अंग्रेज़ा है उन लोग पूरे अपने शासन यानी अपनी गवर्नमेंट को हिला दिए। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। जैसे कि अंग्रेज़ा उन लोगों की जो सोच दमन नीति यानी हिंदुस्तानियों को कुचल देंगे बोल के जो सोच सोचे थे उसके विरुद्ध में यह संग्राम शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई,
जो 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जो बगावत किया था उसका नाम है मंगल पांडे। उसको 8 अप्रैल 1857 में यानी 1857 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कुछ कर गए। 10 मई 1857 को मेरठ में जो भारतीय सैनिक हैं ब्रिटिश अधिकारियों के जो ब्रिटिश के ऑफिसर हैं यानी अंग्रेज़ ऑफिसर हैं उनके खिलाफ में आंदोलन शुरू किए और सीधे दिल्ली तक चले गए थे जुलूस लेके। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुग़ल शासन बहादुर शाह जफर को भारत का शासन घोषित कर दिया। आखिरकार दिल्ली में जो सैनिक थे उन लोगों से मिलकर 11 मई को उन लोग दिल्ली पूरा कब्ज़ा कर लिए और दिल्ली में जो अंतिम आखिरी मुग़ल बादशाह है बहादुर शाह जाफर उसको क्या है भारत का शासक बोलकर डिक्लेयर कर दिया। ये विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। ये जो विरुद्ध है ये विरुद्ध का जो आंकड़ा है धीरे धीरे पूरे भारत में फैलते हुए आया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत की विस्तृत भूभाग पर विद्रोहों का कब्जा रहा। कई दूर तक कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तार में जो भूभाग है उसमें विद्रोहियों का कब्जा रह गया था। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर लखनऊ बरेली बुंदेलखंड और आरा। दिल्ली के अलावा जहां जहां पे भी ज़ोरदार युद्ध हुआ वो युद्ध के केंद्र थे कानपुर लखनऊ बरेली बुंदेलखंड और आरा ये प्रदेश थे। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। इसके साथ साथ देश में दूसरी जगह भी लोकल में यहाँ पे भी विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह के मुख्य नेता में से नाना साहेब तांतिया तोपे बख्त खान अजीमुल्ला खान रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल कुंवर सिंह मौलवी अहमदुल्ला बहादुर खान और राव तुलाराम ये लोग पूरे हाजिर थे जो विद्रोह के लिस्ट में। 1857 का आंदोलन यानी 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता की प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। जो ये 1857 में जो रिवॉल्यूशन आया ये रिवॉल्यूशन आज़ादी के लिए एक अच्छा मोड़ मुड़ाते हुए आया था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन के नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। जो आगे जाके यानी 1857 के बाद आगे बढ़ के जो आज़ादी के लिए लड़ने के लिए यानी यहाँ पे फाउंडेशन 1857 में पड़ा आज़ादी के लिए। जो ये आंदोलन की शुरुआत 1857 से हुई उसके बाद धीरे धीरे ये एक पिलर के सब बनते हुए मजबूत बनते हुए आया ये जो आज़ादी का आंदोलन। भारत में सांप्रदाय के सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। जो भारत देश में सबको आगे बढ़ाने की दिशा में जो ये आंदोलन है ये एक बहुत विशेष महत्व देता है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई
दृष्टियों से उल्लेखनीय है। 1857 के जो आंदोलन हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें कुंवर सिंह का नाम भी कई जगह आया। कुंवर सिंह जैसे वयोयुद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। जो ये कुंवर सिंह है, वयोयुद्ध वयोवृद्ध है, यानी अधेड़ उम्र का है। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बहादुरी बताई, वो यहाँ पे बताया गया। कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली। उसके कुंवर सिंह के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बचपन के बारे में। कहा जाता है कि वे कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनका जन्म 1782 में बिहार के शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम साहेबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिताजी का नाम था साहेबजादा सिंह और इनके माता का नाम था पंचरतन कुंवर। उनके पिता साहेबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे। इनके जो पिताजी साहेबजादा सिंह, इन्हों जगदीशपुर के एक ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जो उनकी ज़मींदारी है, यानी ज़मीना है, उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनके ठीक से देखभाल नहीं कर सके, जो इनके फैमिली मैटर रहने की वजह से, इनके पिताजी का फैमिली मैटर रहने की वजह से उसमें उलझ के कुंवर सिंह के पिता इनके बारे में बचपन से ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर सके कुंवर सिंह का। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। फिर इन्हों अपनी ज़मीन हासिल करने के बाद, इनके पिताजी फिर जगदीशपुर पहुंचने के बाद, जब इनकी पढ़ाई लिखाई जब इनकी स्टार्ट हुई, इनकी व्यवस्था जब अच्छी हुई, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभाविक एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कुंवर सिंह के पिताजी जो साहेबजादा सिंह है, उन्होंने एक वीर थे और उसके साथ साथ उनका स्वभाव भी एकदम व्यक्ति, यानी उदार स्वभाव के इंसान थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। उनकी जो इंसानियत का, जो कमज़ोरी का, यानी उदार व्यवस्था स्वभाव उनकी, वो स्वभाव कुंवर सिंह के पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उसके पिता ने घर पर ही की। कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई जो भी है, इनके पिताजी अपने घर के परिचय कराएं। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। वहाँ पर ही इन्हों हिंदी और फारसी, संस्कृत, ये लैंग्वेजेस सीखे। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घोड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। इन्हों पढ़ने लिखने से भी ज़्यादा इनका मन, यानी इनका दिल घोड़सवारी में और तलवार चलाने में और कुश्तियाँ लड़ने में, ये चीज़ों में ज़्यादा इन्हों इंटरेस्टेड रहते थे। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। बाबू कुंवर सिंह, इनके पिताजी साहेबजादा सिंह की मृत्यु होने के बाद 1827 से अपनी रियासत की जिम्मेदारी इन्हों संभाले। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। वो दिनों में जो अंग्रेज़ों के जो अत्याचार हो रहे थे, यानी अपने पर जोर दे रहे थे, वो अत्याचार चरम सीमा पर, यानी आखिरी स्टेज के पर था, यानी पूरी बगावत करते हुए आ रहे थे अंग्रेज़ों, अपने कहने से सब चीज़ें छीन लेते हुए आ रहे थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। इस तरीके से अंग्रेज़ा करने की वजह से अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ सब लोगों को ज़रा असंतोष
गुस्सा आ रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। इन लोगों के दिनों में जो कृषि यानी फार्मिंग करना और कारखाने चलाना और बिजनेस करना, ये तो बहुत बड़ा बुरा हाल हो गया था। रजवाड़ों के राजदरबार भी समाप्त हो गए थे। जो रजवाड़े हैं उन लोगों का राजदरबार भी हम दो वो भी पूरा ख़त्म हो गया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरी से वंचित कर दिया गया था। हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को अपने देश में जो बड़े पोस्टों में थे उन लोगों को निकाल के छोटे पोस्टों दे दिए गए थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष का स्थिति बन गई थी। इस तरीके से करने की वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में ये स्थिति बन गई कि इन लोगों के खिलाफ़ लड़ना है। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहे लेने का संकल्प लिया। ऐसे टाइम पे कुंवर सिंह क्या है, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने सोच लिया, संकल्प कर लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। यहाँ पे जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा बोल के एक संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह के देशभक्ति एवं स्वाधीनता का भावना उत्पन्न की थी। ये संत जो है उन्होंने ही कुंवर सिंह के लिए देशभक्त और स्वाधीनता यानी आज़ादी हासिल करना किस तरीके से करना इसकी ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाके विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। कुंवर सिंह जाके बनारस में और मथुरा में और कानपुर, लखनऊ ऐसी जगह जाके वहाँ पे ये किस तरीके से उन लोगों अंग्रेज़ों से लड़ना है ये सब प्लान बनाए थे। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। 1845 से लेकर 1846 तक बहुत सक्रिय रहे, यानी सोच समझ के कदम उठाते गए और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह की योजना बनाते रहे। और अंग्रेज़ों को नहीं मालूम तो ऐसा एक रहस्य से, गुप्त से, रहस्य से प्लान बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनापुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजनाएं के लिए चुना। इन्होंने क्या करे, बिहार में जो सोनापुर है, सोनापुर में मेला लगते रहता, वो मेले में ये सीक्रेट मीटिंग का इंतज़ाम करते थे। सोनापुर के मेले के एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। जो सोनापुर में जो मेला लगता वो जानवरों के लिए सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे ये मेला वहाँ पे लगता। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ पे हाथियाँ भी बेचना और ख़रीदना उसके लिए भी ये बहुत मशहूर मेला है। इस ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। ये जो मेला लगता था वो टाइम पे ये हिस्टोरिकल मेले में जाके आज़ादी के लिए क्या करना है बोल के वहाँ पर बैठ के वहाँ पर पूरे जमा होकर एक प्लान बनाते थे, एक योजना यानी एक प्लान बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानपुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 में दानपुर के सैनिक की एक टुकड़ी, वहाँ के सोल्जर्स की एक टुकड़ी ये विद्रोह कर दिया, यानी विद्रोह यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिया।